फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन ड्राइव। मैं हूं प्रदीप सिंह और आप मेरे पीछे जैसे देख रहे हैं, ये है Hyundai की नई वेन्यू, जो कि अब जो है सब 4 मीटर की जो SUV सेगमेंट है वहां पर आई है। अगर आपको मालूम होगा, अभी ये सेगमेंट जो है ऑलरेडी पहले से तो बहुत बड़ा हो चुका था, अब जो है और भी बड़ा हो चुका है, क्योंकि इंडियन मार्केट की दूसरे नंबर की जो सेल्स में अगर आप देखें तो जो Hyundai है वो अब इस मार्केट में उतर चुकी है, जिसकी वजह से अब जो है कंपटीशन बहुत ही ऊपर चला गया है। अगर आप इसके लुक को देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक अलग SUV का एहसास दिखेगा, क्योंकि ये जो लुक है ये बहुत ही यूनिक है मार्केट में। अब जो है आजकल जो ऐसा लुक जो है अडॉप्ट किया जा रहा है दूसरी मैन्युफैक्चर से, तो ये जो लुक है यहाँ पर अगर आपको देख रहा होगा कि जो यहाँ पर ऊपर की साइड दी गए हैं, ये टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं, और यहाँ पर ही आपको पीछे तक जाते हुए थोड़ी सी यहाँ पर आपको जो है LED लाइट्स भी आपको मिलती है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो है पूरा एक रेक्टेंगुलर शेप जो पीछे से बेंड होते हुए जा रहा है, वहाँ पर आपको जो है LED DRS दिख रहे हैं, वो भी उनकी बाउंड्रीज में दिखते जैसा दिया गया है बाउंड्रीज में। और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें तो प्रोजेक्टर लैम्प है जो कि आपकी लो बीम का काम करता है, और यहाँ पर जो है हाई बीम का दिया गया है हैलोजन बल्ब जो दिया जाता है। लेकिन ये जो हेडलैम्प है यहाँ पर आपको कॉर्निंग फीचर मिलता है, वहीं पे नीचे जाते ही यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर फोग लैम्प दिया गया है, जो कि देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिकलिटी में देखेंगे तो क्या पता ये भी काफ़ी अच्छे से काम कर पाए। और नीचे ही अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर जो है मैट ग्रे फ्रिश आपको दी गई है, ताकि थोड़ा सा रोबस्ट जिसे हम कह सकते हैं या एक रफ लुक कह सकते हैं वो दे सके। वहीं पर नीचे भी एक ग्रे एक्शन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो ग्रिल दी गई है, यहाँ पर जो है डार्क क्रोम का इस्तेमाल करा गया है यहाँ पर, और ये जो है Hyundai की नई डिज़ाइन लैंग्वेज वाली ग्रिल है। मैंने एक अपनी वीडियो में बोला था कि कारलाइनो से जब वेन्यू तक का जो सफ़र था वहाँ पे काफ़ी सारा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये ग्रिल भी जो है Hyundai की नई डिज़ाइन लैंग्वेज से इंस्पायर्ड है, लेकिन मुझे ये थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती। मुझे अगर यहाँ पर थोड़ी सी और छोटी होती या अगर कुछ ऐसा और अलग होता तो थोड़ा सा अच्छा देखने में लगता है, लेकिन ओवरऑल जो फीडबैक मिल रहा है दूसरे लोगों से कि जो लुक है वो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये है Hyundai वेन्यू की साइड प्रोफाइल, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर जो कुछ एलिमेंट जो है आपको आगे वाले पीछे आते हुए दिखते हैं, थोड़ा सा रैप अराउंड दिया गया है जो काफ़ी अच्छा फैक्टर ला रहे हैं। और यहाँ पर आपको जो OVRMs है, यहाँ पर छोटा सा एक ब्लिंकर मिलेगा जो LED का दिया गया है, जैसे हम टर्न इंडिकेटर कहते हैं। और जो बॉडी लाइन है यहाँ पर, ये मुझे ज़्यादा कर्वी नहीं लग रही, ये थोड़ी सी जो है आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगी, थोड़ा सा आपको क्रेटा जैसे नई की गाड़ी है तो क्रेटा का थोड़ा सा डिज़ाइन लैंग्वेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा यहाँ पर जो है कर्व नहीं दिया गया रूफ लाइन में, यहाँ पर जो है ऊपर रूफ रेल्स दी गई हैं जो देखने में काफ़ी अच्छी हैं, और कुछ कलर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं जो कि डुअल टोन रूफ जिसे हम कहते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी अच्छा फैक्टर भी दिखा रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो शोल्डर लाइन दी गई है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प दी गई है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसको उभरा हुआ बनाया हुआ है ताकि ये मस्कुलर SUV लगे। वहीं पे जो व्हील आर्चेस हैं वो भी यहाँ पर शार्प दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बल्क में दिख रहे हैं। तो आपको जो ये लुक है ये ज़रूर आपको जो एक माचो SUV का फील करा रहा होगा। अगर मैं आगे आके देखूँ यहाँ पर, और यहाँ पर जो है 16 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जिसमें तो डायमंड कट है, और यहाँ पर जो है जो एक्सेंट दिया गया है वाइट एक्सेंट यहाँ पर इसमें व्हील्स में दिए गए वो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मैंने बोला था कि जो व्हील है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा इसे मैं कहूँ बहुत देखने में तो बहुत ज़्यादा यूनिक भी है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो जो रूफ आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक ब्लैक एक्सेंट आपको दिख रहा होगा जो ऐसा इलस्ट्रेट कर रहा है कि जो पीछे से आ रही है जो ग्लास एरिया है वो पीछे तक रैप हो रहा है। और यहाँ पर भी आपको जो है साइड में टेल लैम्प का कुछ हिस्सा आते हुए दिखेगा जो कि रैप अराउंड यहाँ पर दिया गया है। Hyundai वेन्यू की रियर साइड अगर आप जैसे देख रहे होंगे, जैसे मैंने बताया ग्लास एरिया ऐसा लग रहा था जैसे रैप अराउंड होते हुए जा रहा है, और यहाँ पर जो आपको एजेस दिखेंगे कर्व होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे जो इसकी टेल हम कहते हैं या जो बूट गेट इसे हम कहें, तो यहाँ पर आपको जो है कर्वी शेप में लग रहा होगा। और यहाँ पर वेन्यू की बड़ी सी बैजिंग दी गई है जो कि एक प्रीमियम फैक्टर ऐड करती है इसकी रियर लुक में। और अगर आप देखेंगे इसकी जो टेल लैम्प है
वो मुझे Hyundai की जो बाकी की डिज़ाइन लैंग्वेज होती है उससे बहुत ही अलग दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी स्क्वेरिज दी गई है और रैप अराउंड होते हुए जा रही है, और यहाँ पर जो LED एक्सेंट आपको देखने को मिलेगा ये बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ इलस्ट्रेटेड है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इसमें लाइन्स दिखेंगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आर्ट वर्क दिखेगा जो LED का दिया गया है यहाँ पर। और उसके नीचे ही यहाँ पर आपको एक स्क्वेरिश में जो रियर के फोग लैंप और जो है रिवर्स की जो लाइट होती है, आप जब गियर डालते हो रिवर्स का तो वो जो लाइट ब्लिंक होती है वाइट कलर की, वो यहाँ पर दी गई है, तो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। अगर आपको याद हो कार्लाइनो में भी ऐसा ही एक्सेंट दिया गया था, तो वो भी यहाँ पर आपको देखने में लगेगा। यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं और आपको कैमरा भी मिलता है, जैसे इसके अंदर आजकल सब ऑफर कर रहे हैं ये चीज़ें। और यहाँ पर भी एक ग्रेस एक्सेंट आपको देखने को मिलेगा, जिससे जो है थोड़ा सा रोबस्ट लुक आपको देखने में लगता है। और मुझे ओवरऑल रियर का लुक सामने से बहुत अच्छा लगता है, वैसे सामने वाला पार्ट मेरा इतना फेवरेट नहीं है जितना रियर पार्ट इसका फेवरेट है। आप बताना ज़रूर आपका कौन सा लगा कॉमेंट सेक्शन में, कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगता है वेन्यू में। और जो इसका बूट स्पेस यहाँ पर दिया गया है ये 350 लीटर का दिया गया है। ये सेगमेंट वाइज तो ओके है, मीडियम साइज़ दिया गया है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन ये साइज़ जो है एकदम परफेक्ट है इसके लिहाज से। और काफ़ी ज़्यादा आपको स्पेस भी आपको यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर जो है स्पेयर व्हील नीचे मिलेगा, और काफ़ी ज़्यादा जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर आपको ऑफ़र करी गई है। जैसा दिख रहा है मैं वेन्यू के अंदर बैठ चुका हूँ, इंटीरियर में आ चुका हूँ, और यहाँ पर मुझे मैं कह सकता हूँ कि हाँ मुझे ये अप मार्केट वाली फील आ रही है। जैसे नेक्सोन में तो कुछ मटेरियल वगैरह लगा होता था तो वैसे लगता था कि हाँ लाइट कलर का मटेरियल लगा हुआ, थोड़ा सा अगर क्वालिटी उसकी हल्की है, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो है पूरा ऐसा लग रहा है कि प्रीमियम इंटीरियर दिया गया है। मैं वैसे अपनी वीडियो में आपको एक ब्लूइश इंटीरियर दिखा रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि जो एक इनका जो है एक डिज़ाइन लैंग्वेज है, एक थीम है कलर की, जो वेन्यू है एक ब्लू कलर की, उसी का जो एक्सटीरियर का कलर है वैसे ही इंटीरियर का दिया गया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा Hyundai के ने जो ऐसा थीम रखा है यहाँ पर। और अगर आप इसका भी देखेंगे तो ये तो काला है, लेकिन यहाँ पे भी मुझे फील वगैरह अच्छी दिख रही है। लेकिन ओवरऑल मुझे यहाँ पर देखने में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं नहीं दिख रही हैं, जैसा मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि इसका जो डैशबोर्ड है कर्वी शेप में दिया गया है, यहाँ पर जो है ग्लव बॉक्स भी ठीक ठाक साइज़ का दिया गया है, और यहाँ पर जो है थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में जो है नई तरीके के ये जो एयर वेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पे ही सेंटर कंसोल में ही आपको ऐसा लगेगा कि एक ही यूनिट में आपकी 8 इंच की टच स्क्रीन भी मिल रही है। और यहाँ पर एक बात और है कि इसके अंदर जो है ब्लू लिंक का इस्तेमाल करा गया है, यानी कि ई सिम यहाँ पर भी लगती है, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो है ऑफ़र करेगी, ये एक ऐप से कंट्रोल होता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं फीचर वगैरह जो है ऐप से आप कंट्रोल कर सकते हो, उस पर मैं अलग से बात कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर पहले आप देखते हैं इंटीरियर। तो और नीचे की साइड जो है रोटरी स्टाइल में आपको जो है यहाँ पर स्क्रीन भी मिलेगी, और जो बाकी सारे चीज़ें AC कंट्रोल के आपको मिलेंगे। नीचे जाते ही आपको जो है USB सॉकेट मिलेगा जो चार्जिंग का भी है, और कनेक्टिविटी के लिए भी USB पोर्ट दिया हुआ, क्योंकि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ आ रहा है। और यहाँ पर भी जो है एक चार्जिंग पोर्ट अलग से और दिया गया है, यानी कि यहाँ पर 2 स्लॉट दिए गए हैं चार्जिंग के, और एक वायरलेस यहाँ पर भी चार्जिंग आपको अवेलेबल मिल रहेगी। और अगर आप पीछे देखेंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर गियर लीवर दिया गया है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पेस आपको मिलेगी। और सीट्स हैं जो कि मुझे अच्छी लग रही हैं, इनके टॉप एंड ट्रिम में लेदर राइट की दी गई हैं, लेकिन ये भी फैब्रिक काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे कंसोल में भी काफ़ी साफ़ सुथरा कंसोल है। जो डिस्प्ले भी है MID डिस्प्ले, वो कैरी फॉरवर्ड की गई है i20 से ही, वैसे यहाँ पर लगेगी आपको भी। और जो ओवरऑल यहाँ पर मुझे स्टीयरिंग व्हील है उसका लुक है वो नई जनरेशन का हो गया है, नई जनरेशन Hyundai की जो अब आएंगी ऐसी ही डिज़ाइन के लैंग्वेज के साथ आएंगी जो यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं। और यहाँ पर जो सीटिंग पोजीशन है ये ना सीट्स काफ़ी ऊंची करी गई हैं। मैं पहले नीचे कर लेता हूँ, और अगर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो व्यू, मुझे तो सीटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी लग रही है, Hyundai ने काम अच्छा किया है। मुझे कॉकपिट की फील भी आ रही है, और काफ़ी ज़्यादा मुझे इसका जो अंदर का फील है वो अच्छा भी लग रहा है। वैसे ही यहाँ पर भी जो आपको डोर हैंडल्स वगैरह मिलेंगे और सब कुछ, यहाँ पर मटेरियल जो है टच वगैरह सॉफ्ट दिया गया है, स्विचेस वगैरह की क्वालिटी भी अच्छी है, सब कुछ यहाँ पे मुझे
ऑल फिनिश काफ़ी अच्छा लग रहा है, कोई कंप्लेन नहीं कर सकता मैं इंटीरियर की स्पेस को लेकर। यहाँ पे सब चीज़ें हैं, कप होल्डर वगैरह, ये एयर प्योरीफायर यहाँ पर दिया गया है हुंडई की तरफ से, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। एक पोल्यूटेड अगर सिटी में रहते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। और जो ये स्टेयरिंग व्हील है वो हाँ टिल्ट कर सकते हो, टेलीस्कोपिक नहीं है। और यहाँ पर जो है सबसे बड़ी चीज़ जो है सनरूफ दिया गया है ऊपर। और अगर आप देखेंगे जो मुझे बैठने में फ़ील आ रहा है यहाँ पे, मुझे काफ़ी अच्छा आ रहा है और सब चीज़ें मुझे यहाँ पे ऑल द वे परफेक्ट लग रही है। हुंडई ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम करा है, तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कंप्लेन नहीं दे सकता। जैसा दिख रहा है मैं हुंडई वेन्यू की रियर साइड में आ चुका हूँ, और यहाँ पर जो स्पेस है वो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा खासा दिया गया है। हाँ, 6 फुट के ऊपर के जो पर्सन है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो डिस्कम्फर्ट महसूस करें, क्योंकि जो सीटिंग पोजीशन है ये मेरी ड्राइविंग स्टाइल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करी गई है। तो अगर आप अच्छे से ड्राइव करते हैं, बहुत ही ज़्यादा वैसे नहीं ड्राइव करते कि लेट के ड्राइव कर रहे हो, तो जो आपके पीछे वाला पैसेंजर है वो आराम से बैठ सकता है अगर वो 6 फीट से भी ऊपर हो। और यहाँ पर जो है कप होल्डर वगैरह यहाँ पर अच्छे खासे दिए हुए हैं जैसा आपको दिख रहा होगा। और अगर मैं नीचे की स्पेस की बात करूं, वो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि मैं जो है अपनी टांगे स्ट्रेच आउट कर पा रहा हूं, तो आराम से मैं बैठ के जा सकता हूं इसमें, तो यहां पे मुझे कोई दिक्कत नहीं नज़र आती। थाई सपोर्ट ओके है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे लिए मेरी हाइट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा थाई सपोर्ट दिया गया है। हाँ, 6 फुट से ऊपर वाले पैसेंजर थोड़ा सा कंप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन सीटिंग पोजीशन के हिसाब से जो थाई सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिया गया है। मटेरियल भी लेदराइट जो यूज़ करी गई है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको टॉप ट्रिम में जो है सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है, वो विड्थ काफ़ी ठीक ठाक दी गई है मेरे हिसाब से, शायद से जो है एक अच्छे खासे हेल्दी एडल्ट जो है 2 ही बैठ सकते हैं, तीसरा बच्चा बैठ सकता है बीच में। इतनी ज़्यादा विड्थ नहीं दी गई अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ पतले बंदे जो हैं वो बैठ सकते हैं। और यहाँ पर एक आपको रियर एसी वेंट भी मिलेगा, और रियर में ही एक चार्जिंग पोर्ट दिया गया है ताकि जो रियर साइड की कन्वीनियंस है उसको ध्यान रखते हुए। और यहाँ पर जो ट्रांसमिशन हम्प है ये इतना ऊपर नहीं है, लेकिन ओके है अगर आप बीच में जाके बैठ पाए, कोई अगर पर्सन ट्रैवल कर रहा हो तो उसके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली आपको। और यहाँ पर जो हेडरूम दिया गया है वो भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक कॉल सा बनाया गया है, जैसे कर्व होता है अंदर की तरफ यहाँ पर करा गया, तो उस लिहाज से मुझे तो काफ़ी अच्छा हेडरूम यहाँ पर दिया लग रहा है। हाँ, 6 फुट के ऊपर के भी बंदे हो तो हेडरूम नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पर भी लाइट बीच में दी गई है और काफ़ी सारी चीज़ें, रियर की भी जो हेडरेस्ट है वो भी यहाँ पर आप ऊपर नीचे कर सकते हो, यानी कि एडजस्ट कर सकते हो। और एरिया वाइज जो ग्लास एरिया आपको दिख रहा होगा वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर। पिछली सीट में तो कोई ऐसी कंप्लेन नज़र नहीं आती। वेन्यू का अब जान लेते हैं क्या प्राइसिंग है और क्या किस पैकेज के तौर पर आ रही है। ये हुंडई वेन्यू जो है वैसे तो 3 इंजन ऑप्शन के साथ अवेलेबल है, जो कि है 1.2 पेट्रोल, 1.4 डीजल और 1.0 का जो दिया गया है टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया गया, यानी कि 2 पेट्रोल और 1 डीजल इंजन ऑप्शन मिल रहा है, जो कि 1.2 और 1.4 जो आपको मिल रहा है, 1.2 पेट्रोल जो है वो भी i20 में अवेलेबल था, 1.4 भी i20 में अवेलेबल था, तो जो पावर फिगर्स हैं वो भी उन्हीं के हिसाब से सेम दी गए। लेकिन यहाँ पर जो स्टार इंजन है वो है 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन, जो कि पावर निकालता है 120 PS की पावर और लगभग 175 NM टॉर्क के आसपास जो है निकालता है। और जो प्राइसिंग दी गई है ये स्टार्ट हो जाती है 6,50,000 से लगभग स्टार्ट हो जाती है, जैसे आपके सामने मैं दिखा रहा हूँगा, और जाती है 11,10,000 के आसपास जाती है, जो 1.0 लीटर का 7 स्पीड वाला जो DCT ट्रांसमिशन वाला दिया गया है यहाँ पर। और जो ट्रांसमिशन ऑप्शन भी है यहाँ पर 6 स्पीड मैनुअल दिया गया है, और 7 स्पीड का जो ऑटोमेटिक है वो सिर्फ 1.0 में ही अवेलेबल है, जो ड्यूल कलर ट्रांसमिशन के साथ आ रहा है यहाँ पर। जो प्राइसिंग है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव रखी गई है, टॉप वाला जो वेरिएंट है जैसे हम SX प्लस कहें वो सिर्फ 11,10,000 के आसपास आ रहा है। तो जरूर डीजल में तो अवेलेबल नहीं है, डीजल में 10 लाख कुछ के आसपास आपको मिलेगा, वो मुझे लगता है कि हाँ ये वैल्यू फॉर मनी गाड़ी हो सकती है अपने सेगमेंट में। और काफ़ी अच्छा खासा इसका जो प्राइस ब्रैकेट रखा गया है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाला है, और
दूसरी की जो राइवल्स हैं, जैसे आप टाटा नेक्सॉन ले ले, नई लॉन्च हुई महिंद्रा एक्स्यूवी 300 हो गई, चाहे जो फोर्ड की इको स्पोर्ट है, WRV है, ये सारी जो गाड़ियां हैं इनको जो है काफ़ी अच्छा टक्कर मिलने वाला है वेन्यू से। तो ये था हमारा ओवरव्यू रिव्यू हुंडई वेन्यू का। आपको कैसा लगा जरूर बताना अपनी कमेंट सेक्शन में, और वीडियो लाइक जरूर करना अगर आपको पसंद आई हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इंजन ड्राइव।